हेलो जी, जय माता दी। कैसे हो आप सब? तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 11:30 बजे। तो मेरा खाना पीना जो भी है हो चुका है, पर तबीयत तो बहुत ही खराब है। मन तो कुछ भी नहीं कर रहा काम करने का, पर क्या करे, करना तो पड़ेगा ही। 1-2 दिन तो मुझे वैसे ही बिल्कुल टाइम नहीं है, तो इस वजह से थोड़े ब्लॉग भी मेरे ऐसे चल रहे हैं। तो थोड़े दिनों के बाद आपको बहुत ही अच्छे अच्छे ब्लॉग देखने में मिलेंगे, वो मिलेंगे बस थोड़े दिन की बात है, उसके बाद तो काफी अच्छे अच्छे ब्लॉग आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए करती हूँ काम बाकी का। तो यहाँ पे ना मैंने बेडशीट वगैरह चेंज कर दी है, तो आप देख सकते हो एकदम से बेड क्लीन हो गया है। तो यहाँ पे ना मैंने बेडशीट तो चेंज कर दी थी ना मैं, पर ये कवर रह गए थे तो कवर भी मैंने लगा दिए, तो बेड तो एकदम से क्लीन हो गया बस। और यहाँ पे गाइस देखो, हेल्प कर रहा, हाँ, कोई हेल्प नहीं करते हैं ये। देखो हेल्प कर रहा हूँ गाइस, इनको कुछ हेल्प नहीं करने, इनको बस बातें आती हैं बस। नहीं गाइस, वैसे बहुत हेल्प की। देखो इन्होंने खाना बनाया, फिर इनको इनको खाने के लिए डाल दिया। देखो हेल्प ही होती है ना, वो हेल्प ही होती है। कुछ ज्यादा नहीं काम कर लिए। देखो अब कपड़े वगैरह फोल्ड कर रहे हैं गाइस, इससे ज्यादा क्या कर सकते हैं बताओ। इससे झाड़ू हो गया, ये हो गया। खाने में दिक्कत है, खाना बनाने में बहुत दिक्कत है। बड़ी मुश्किल से बोला मैंने उठा उठू के कि एक ही फुल एक चपाती बना दो, बस बस एक चपाती बना दो बेटे के लिए, बस बहुत है। हाँ, एक बेटे के लिए बना दो, इन्होंने तो कुछ खाना नहीं है। वो तो तब की बात थी ना, उसके बाद तो फिर दोबारा से वही है, उठो जल्दी मुझे खाना दो, मुझे खाना दो। तो खुद बना लो, मेरे लिए भी दे देते साथ में। गाइस नहीं बनता है खाना यार, क्या करें, बनता नहीं है तब खाना। तो सात अब जन्म के बाद है, मैं ये करूंगा वो करूंगा। तो खाना बनाने के थोड़ी थे और चीजों के वायदे थे, खाना बनाने के वायदे थे, वो तो लेडीज का काम है, तो लेडीज बनाएगी ना। हेल्प कर सकते हैं हेल्प, बाकी बनता नहीं है। अगर मेरे हाथ से बनाओ खाना खा लोगे ना, तो जिंदगी में खाना खाना ही भूल जाओगे। इतना खतरनाक खाना, हाँ, तो बनाना इतना गंदा तो खाएगा कौन? बेटा मेरा तो बिल्कुल नहीं खाते इनके हाथ से। वो तो कभी ऐसे बाय चांस बनाते नहीं, पर कभी बना ही दे कुछ तो कब भाई। वो तो मेरे हाथ से मैगी भी नहीं खाता है, कि मैगी बना के दूंगा ना वो भी नहीं खाएगा, क्योंकि तो उसको टेस्ट नहीं आता, मुझे टेस्ट नहीं आता। तो उसको खाएगा कौन से? ऐसे बनाओगे जैसे पानी है ना, उसमें नहीं आता टेस्ट। कभी भी कुछ भी मत डालो, नमक नहीं होगा तो कुछ भी टेस्ट नहीं आएगा। वो नमक ऐसे ही बस बिना टेस्ट किए, गाइस जो मर्जी डालो बीच में टेस्ट आता ही नहीं, बस आता ही नहीं। जो मर्जी जितना मर्जी जो लगा लो आप, मतलब आएगा नहीं। प्यार से बनाओ तब तो आए ना, प्यार से लगो चाहे 2 घंटे लगा लो तो भी नहीं बनेगा, टेस्ट आता ही नहीं है। बेटा बोलता है किसने बनाया है, मुझे लग रहा है टेस्ट नहीं आ रहा, लग रहा है कि आज पापा ने बनाया, तो हो गया काम फिर। चलो सुनो, मैं बीमार हूँ ना, आप सारा काम कर दो, आज खाना बना देना। खाना नहीं बनता, बाकी क्या लगता है? झाड़ू 2 मिनट में इधर यहाँ से वहां वहां से वहां, बस पोछे का तो पता नहीं, पोछे ऐसे ऐसे करो पता नहीं, थोड़ा सा बस काम खत्म। यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, मतलब कि ज्यादा बोलूंगी ना तो कूड़े को क्या करना, एक बेड से निकालना दूसरे पे कर दे। गाइस अगर मैं झाड़ू मार दिया ना, और 5 मिनट के बाद अगर इन्होंने झाड़ू मारा ना, तो इतना कचरा निकलता है कि पूछो मत। तो मारना नहीं था, तो निकलता कहाँ से? मैं वो ही ढूंढता, मुझे भी ये देखो बता दिया ना, इधर से इधर, इधर से इधर, बात खत्म है यहीं पे। इनकी बातें मत सुनो, नहीं तो आपके दिमाग में फर्क हो जाएगा, इनको रहने दो ऐसे ही है। मोटू एक ही जैसा तो है, ध्यान तो रखना पड़ेगा। मुझे बोलते हैं कि मोटी है इतनी, मोटी नहीं गाइस, देखो प्यार से बोलता हूँ मोटू, ऐसे थोड़ी मोटू यार, इतने बड़े बड़े मोटू है, एक मोटू है। अभी होगी मोटी तो क्या कर सकते है, क्या करूँ मैं, अभी हो गए तो हो गए, फिर क्या कर सकते गाइस। हाँ मेरी पड़ती मोटी मोटू से फर्क, कुछ लोगों को पढ़ती है ना, कुछ लोगों को पढ़ने तो वो उनके ऐसे तो सभी को पढ़ते, जो पतले उनको उनको बोलते हैं, तो मोटो को बोलोगे बोलेंगे, इसलिए टेंशन है लोगों को। चलो अच्छा। बोलने वाले बोलते रहते हैं, बातें चिल्लाने वाले चिल्लाते रहेंगे, बस करो टेंशन। बातें बहुत ज्यादा होगी, काम पे फोकस करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। काहे काम क्या है, काम 2 मिनट में हो जाता है, चुटकी मारो काम खत्म। वो तरीका बताया ना, आप भी वो अजमाना, 2 मिनट में हो जाएगा, और फिर घर में डंडे भी खाना। गाइस गाइस पता क्या, अभी ना अभी इनको ना मैं बोला है ना कि अच्छी तरह अभी ना कुछ नहीं करना। देखो कैसे सुन रहे, ये सुन रहे कि शायद कोई शॉपिंग वगैरह होगी, कुछ होगी, देखा देख ध्यान से सुन रहे, कान लगा के ऐसे नहीं सुनेंगे। नहीं नहीं, नहीं नहीं अभी नहीं बोलूंगी, वो तो करुआ चौथ आ रहा है ना गाइस, फिर अच्छे से मन की निकालूंगी गाइस। जैसे बकरे को काटते हैं वैसे काट देंगे पूरी तरह ना, ऐसे पता नहीं कितने का लग जाएगा, चूना लग जाएगा ना। ये काम करने के बहाने लगा रहे, बाकी कुछ भी नहीं है।
अभी ना दोपहर के 12 बज रहे हैं और मैं नहा धो के एकदम से रेडी हो गई हूँ। मतलब रेडी तो क्या, मतलब नहा धो के आ गई हूँ। और आज मैंने पहना ये वाला ब्लैक सूट, ये वाला प्योर कॉटन का है। इसका प्रिंट ना मुझे बहुत ही अच्छा लगता है और पहनने में भी बिल्कुल कंफर्टेबल है, तो अच्छा लगता है गर्मियों में। तो अभी बस थोड़ा सा रेडी हो जाऊंगी, फिर खाना खाऊंगी और थोड़ी सी रेस्ट करूंगी। तो चलिए मैं हो जाती हूँ रेडी थोड़ी सी, फिर मिलती हूँ आपसे। तो अभी बस मैं हो गई हूँ रेडी, बस अभी खाना खाऊंगी। बाल मेरे गीले, आज बाल भी धोए मैंने, कल संडे को नहीं धोए थे ना, तो आज तो धोए मैंने। तो अभी ना बज रहे रात के 10:30 और बातें करते कुरते खाना पीना खाते कूदते ये टाइम हो ही जाता है लगभग रोज ही मेरा। तो सोते तो हम लेट ही हैं पर ऐसे खाना पीना खाते इतना टाइम मतलब हमारा हो ही जाता डेली का। तो मैंने सोचा कि मैंने अपने ब्लॉग का भी एंड नहीं किया हुआ है, तो फिर मैं वो भी कर लेती हूँ अभी। तो चलिए आज के ब्लॉग को ना यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।